शुभ हम फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा और एक नया दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग में। और भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ नवमी। हाँ जी, आज है नवमी। और भाई आज मैं इतना जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि भाई आज मैं 10 या 11 बजे के अंदर रूम में आ जाऊँगा और उसके अंदर मैं सारी की सारी चीज़ जितना हो पाएगा मेरे से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। लाइक जितना पेंडल है, क्या है, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। आज तो मेरा प्लान है देशप्रिय पार्क, ठीक है, उस तरफ जाने का, हिंदुस्तान पार्क, देखते ही क्या होता है। एक्चुअली बारिश हो गया ना, देखो भाई आपको वेदर पहले देख लो ऊपर और देख लो भाई, एक्चुअली बारिश हो गया ना, अच्छा खासा बारिश हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। मेरा निकलने का प्लान था 2 बजे लेकिन भाई 3 बज गया, अभी तक भी मैं रूम पे हूँ। एक काम करते हैं, जल्दी से निकलते, बाकी का बात देखते मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भी जाऊँगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले रूम से निकलते फिर बाकी का बात मैं करता हूँ। तो लो जी, देख लो अभी फाइनली मैं निकल चुका हूँ और अभी जो मेरा प्लान है ना, सबसे पहले जाने का प्लान है मेरा श्रीभूमि। देखते भाई क्या सीन होता है। एक्चुअली बारिश वगैरह हो गया ना, थोड़ा दिल में पत्थर रख के जाना पड़ता है। अगर रोड में बारिश हो गया तो सारे की सारी प्लान मेरा ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ देख लो, ये शायद मैंने लाइफ में 3rd time फॉर्मल पहना हूँ। ऐसे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं फॉर्मल में कैसे लग रहा हूँ। एक काम करते, ज़्यादा बेकार की बात नहीं करते, फिलहाल यहाँ से निकलते क्योंकि अभी रोड में ट्रैफिक का भी बहुत ही इशू रहता है। बाकी का बात वहाँ पहुँच के मैं करता हूँ। भाई बारिश तो हुआ है अच्छा खासा, लेकिन अभी भी भाई गर्मी है पूरा। कपड़ा भाई अभी मेरा पसीना पसीना हो गया। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई श्रीभूमि। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, क्राउड देखो भाई, क्राउड देखो, ये फिर भी बहुत ही खाली है, बहुत ही मतलब बहुत ही खाली है, ठीक है। और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम भी अभी कितना हुआ है, लगभग 4 बजने वाला है, अभी तक 4 बजा भी नहीं। चलते हैं भाई, देखते हैं कितना किलोमीटर ऐसे वॉक करके जाना पड़ेगा। लो भाई देख लो, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब। और ये जो गेट है ना, ये डिस्नी लैंड बना हुआ है, देख लो भाई कुछ ऐसा ही है, अच्छा लग रहा है। भाई देखो ये श्रीभूमि का अंदर का दुर्गा माँ है, देख लो भाई अंदर में थोड़ा सा झुना वगैरह है ना, इसीलिए थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी हो गया अंदर का। बाकी ये झूमर देखो कितना प्यारा लग रहा है, और डेकोरेशन अंदर का कुछ ऐसा ही है, अच्छा लग रहा है जैसा भी है। एक्चुअली सीन अभी ऐसा है कि मैंने श्रीभूमि का इतना नाम सुना था, इतना सोशल नेटवर्क में वायरल हुए भी दिखा था, लेकिन भाई पता नहीं क्यों, मैं मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि शुरू होते ही ख़त्म, लाइक जैसा बोल रहे थे ऐसा माहौल नहीं है जहाँ तक मेरे को लगा, ठीक है। तो यही है, बाकी अच्छी है, अच्छा है, आप लोग आके देख भी सकते हो, ठीक है। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी चलते हैं वहाँ से कालीघाट, कालीघाट का मेट्रो से बाहर निकल के बाकी का बात मैं करता हूँ। लो जी देख लो, फाइनली कालीघाट मेट्रो को मैं पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली वहाँ से मैं जा रहा हूँ देशप्रिय पार्क, और भाई क्या सीन है ऑलरेडी आप लोग को दिखाई दे रहा है। भाई एक दोस्त, मैंने मेट्रो से निकल के जा रहा हूँ और भाई देख लो भाई, मेट्रो से ही लाइन शुरू हो गया देशप्रिय पार्क के लिए। बैरिकेड वगैरह लगा के ये लोग ऑलरेडी रखा हुआ है, माइक पे अलाउंस भी हो रहा है। भाई साहब देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ जी, एक्चुअली अभी मैं जा रहा था देशप्रिय पार्क की तरफ, लेकिन ये मेरे को सामने में दिखाई दिया प्रभाती संघ। ये देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है, और इनका जो पेंडल है ना थोड़ा यूनिक है। एक्चुअली जो रिक्शा है ना, ये कलकत्ता में ऐसा रिक्शा अभी भी चल रहा है। एक्चुअली देखो दुर्गा माँ को लोग रिक्शा में बैठा हुआ है, ये वाला देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अरे देखो भाई माँ को। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ये जो पेंडल का है प्रभाती संघ पेंडल का जो रिक्शा है ना, ये सब रियल है भाई, ओरिजिनल रिक्शा का लगा हुआ है भाई, मानना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही माल है। माँ को देख लो यहीं से। हाँ जी फाइनली देख लो, अभी हम लोग पहुँच चुका है देशप्रिय पार्क पे भाई साहब। और क्यों देखो भाई, इधर उधर इधर इधर कैसे है, बाकी कुछ ऐसा ही गेट है उन लोगों का, देख लो भाई। Thank you.
यहाँ से भाई माँ का दर्शन कर लो आप लोग। ये है देशोप्रिय पार्क का दुर्गा माँ, देखो भाई, देख रहे हो भाई। और बाकी का डेकोरेशन कुछ ऐसा है, यहाँ का लाइट मेरे को यूनिक लगा। मैं जितना भी सारा पेंडल घुमा ना, कहीं पर भी ऐसा लाइट नहीं था। और अंदर का भाई क्राउड भी कुछ ऐसा ही है, देखो भाई। हाँ जी, देशोप्रिय पार्क से तो मैं अभी निकल गया और वहाँ से मैं जा रहा हूँ त्रिधारा। और भाई एक चीज़ है भाई, ये जो बंगाली का जो स्लो मोशन गाना और ये क्राउड, ये दुर्गा पूजा का माहौल, ये भाई इमोशन है यार, ये इमोशन है, जो भी बोलो भाई, ये इमोशन है। बाकी यहाँ से चलते हैं त्रिधारा पहुँच कर, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। भाई त्रिधारा तो हम लोग आ गए, लेकिन ये क्राउड देख लो भाई, और ये जो लाइन है, एक्चुअली जो सामने में लाइटिंग दिखाई दे रहा है ना, वो त्रिधारा है। और जो लाइन है भाई यहाँ से है, ठीक है भाई। एक्चुअली आज ना मेरे को लग रहा है कि आज क्राउड बहुत ही कम है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने दिखा होगा वो जो सियालदा का श्रीराम मंदिर जो था, वो वाला में कितना क्राउड था। और भाई देखो भाई यहाँ से मेरे को लग रहा है क्राउड बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। ये त्रिधारा का लाइटिंग देख लो एक बार भाई साहब, क्या लग रहा है यार, असम लग रहा है भाई। ओ भाई क्या लग रहा है, अंदर देखो भाई, भाई साहब गजब लग रहा है। बाकी मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। और भाई साहब वहां से त्रिधारा का दुर्गा माँ का देखो भाई क्या बनाया है भाई, क्या लग रहा है यार। ये ना मतलब फोन से ज्यादा अच्छा ना ये रियल में लग रहा है यार, अलग ही लग रहा है भाई, अलग ही माहौल है भाई, गजब लग रहा है। देखो भाई दुर्गा माँ को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखो। ओ भाई साहब, जो त्रिवेणी से भगवान के दर्शन करने के बाद ना, अभी मैं आया हूँ मार्डक स्क्वायर में। भाई साहब उनका जो पेंडल है कुछ इस तरह का है, आप लोग देख लो भाई कैसा लग रहा है यार, अल्टीमेट लग रहा है भाई, जो भी बोलो। ओ भाई, और अंदर दुर्गा माँ भी है, अंदर भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी बाहर का कुछ ऐसा ही व्यू है, आप लोग देख लो, काफ़ी सारे लोग वहाँ फोटो वीडियो भी ले रहे हैं, यही है भाई। और भाई अंदर का कुछ ऐसा ही माहौल है, जो डेकोरेशन हुआ है ना कुछ ऐसा हुआ है, उनका लाइटिंग देखो भाई, भाई साहब कमाल लग रहा है भाई लाइटिंग। और भाई ऐसा ही है, अच्छा लग रहा है। बाकी माँ को मैं दिखाता हूँ आगे जाके भाई से, हर जगह भाई आदमी लोग ले रहा है फोटोस, आप लोग यहीं से माँ को दर्शन कर लो, देख रहे हो भाई जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। लो जी देख लो, अभी हम लोग आ चुके हैं एक डालिया पे। हाँ जी, एक डालिया गार्डन पे हम अभी हम लोग आ चुके हैं, और वहाँ का लाइटिंग कुछ इस तरह का ही है। बाकी अच्छा लग रहा है, ये जो लाइटिंग है ना, ये सब जो छोटा बच्चा है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और बाकी उनका जो पेंडल है कुछ इस तरह का पेंडल है, तो मेरे को थोड़ा सा छोटा पेंडल लग रहा है, यही है बाकी। और भाई एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मतलब ये लोग का एंट्री एक साइड का है, एग्जिट और एक साइड का है, लेकिन एग्जिट करने के बाद इतना घुरा घुरा के आते हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ। इतना दिनों से कलकत्ता पे हूँ मैं, कौन सा गली में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को भी पता नहीं चलता है, यही एक दिक्कत होता है। बाकी क्या करें, पूजा का माहौल है। अभी लगभग शायद मैंने 4 या 5 किलोमीटर वॉक करके इधर आया भाई, इतना घुरा के क्या ही करे, यही है बाकी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई इधर देखो, यही है कुछ गेट। और भाई वहाँ से देख लो एक डलिया का भगवान जी को, दुर्गा माँ को भाई, कुछ इस तरह का ही है। और यहाँ का लाइटिंग ऐसा है, यही है बाकी भाई साहब, क्राउड तो अच्छा खासा है, बाहर में ज़्यादा क्राउड नहीं है, अंदर में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। दुर्गा माँ को देख लो भाई। लो जी देख लो, अभी हम लोग आ चुके हैं सिंगी पार्क, एक्चुअली जा रहे हैं रोड पे है। और वहाँ का क्राउड देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग को, जितना ज़्यादा रात होगा उतना ज़्यादा क्राउड बढ़ेगा, कोलकाता का यही है भाई। एक्चुअली लोग क्या करते हैं ना, रात पे भाई डिनर वगैरह करके ही निकलते हैं, मस्त
ठीक है, यही है। आज मेरा भी प्लान तो था बाहर डिनर करने का, लेकिन नहीं लग रहा है कि आज हो पाएगा। एक्चुअली कल मेरा फिर से नाइट आउट है, कोई नहीं, कल तो भाई अच्छा खासा प्लान है। बाकी ये सिंघी पार्क का लाइटिंग देखो, कुछ इस तरह का लाइटिंग है, यही है भाई। कैमरा में थोड़ा आपको झापसा झापसा दिखाई देगा, बाकी यही है, अंदर चलते। लो जी देख लो, अभी हम लोग आ चुके हैं सिंघी पार्क, और भाई कुछ इस तरह का वहाँ का पेंडल है, बस यही है। बाकी अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, माँ का अभी कुछ पूजा भी चल रहा है, मैं वो जो अंदर में जाकर आपको दिखाता हूँ भाई। इतना भीड़ है ना, ज़्यादा मैं अच्छे से ब्लॉगिंग भी कर नहीं पाता हूँ। लो जी वहाँ से आप दुर्गा माँ का दर्शन कर लो, ये लोग तो खड़े होने के लिए भी नहीं देते। बाकी यही है वहाँ, लेकिन लाइटिंग नहीं है ऊपर का, ऐसा ही देखो भाई। देख लो अभी हम सिंधी पार्क का जो दुर्गा पूजा था वो तो मैंने दिखा और आपको भी दिखाया, और वहाँ से जब एग्जिट हुआ तो सामने में हम लोग का हिंदुस्तान पार्क का पूजा है। ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा भाई, जहाँ से एग्जिट गेट वहाँ से इनका एंट्री गेट, भाई साहब ये थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, नहीं तो पता नहीं कितना घूम घूम के अभी जाना पड़ता मेरे को। कोई नहीं, सामने में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिखाई दे भी दिखाई दे रहा है ऐसा। ये देखो ये सामने में ही माँ है, बाकी मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। और भाई देख लो ये गरियाहाट हिंदुस्तान क्लब का फर्स्ट लुक है, एंट्री कुछ इस तरह का ही है भाई साहब। ये मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है, रुको मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखो भाई एंट्री कुछ इस तरह का ही है, बाकी यही है, सामने में माँ है। अच्छा ये गांव में जैसा घर बनता है ना, ये इसका जो गेट है बिल्कुल इसी तरह का ही है भाई, अच्छा ही लग रहा है। हाँ जी देख लो ये हिंदुस्तान पार्क का भगवान है, देख लो भाई कुछ इस तरह का मूर्ति बना हुआ है भाई। देखो ऐसे आपको ये कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और यही है बाकी दिखाने के लिए और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जो था मैं आपको दिखाया। बाकी आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताना।